नमस्कार दोस्तों, तो मैं फिर से आ गया हूँ एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। मेरा नाम है अनिल और आप सभी देख रहे हैं टेक चीफ यूट्यूब चैनल। तो कार्लिनस का एक और लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, कार्लिनस 2021.2, जिसमें कई बदलाव किए गए हैं जो कि काफ़ी यूजफुल और इंटरेस्टिंग भी हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कि कार्लिनस के इस नए अपडेट के अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहला अपडेट है कार्लिनस का बॉक्सर टूल। का बॉक्सर मतलब कार्लिनस एप्लीकेशन बॉक्सर। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये कार्लिनस के लिए एप्लीकेशंस को पैक करने के लिए है। कार्लिनस की टीम इस प्रोजेक्ट पर कई महीनों से काम कर रही थी। बेसिकली ये डॉकर कंटेनर्स की ट्रिकी एप्लीकेशन है, जिसका यूज़ किसी एप्लीकेशन का एक ऐसा स्टैंड अलोन पैकेज तैयार करना होता है जिसको काली पर ईजिली रन कराया जा सकता है। जैसे कि कई एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के लिए कई तरह की डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, कई तरह की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती हैं, जिससे कि एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना काफ़ी जटिल हो जाता है और जिसकी वजह से काली की दूसरी एप्लीकेशंस या सर्विस पर फर्क पड़ जाता है। तो ऐसी एप्लीकेशंस को कार्बॉक्सर की मदद से पैक करके ईजिली रन कराया जा सकता है, जैसे कि हम डॉकर के अंदर करते हैं। तो ये चेंजेस कार्लिनस के डेवलपर्स और टूल ऑथर्स के लिए एक बढ़िया स्टेप है, जिससे कि वो अपनी ऐप्स को आसानी से काली पर रन करा पाएंगे। पर इसमें कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि एक छोटी सी एप्लीकेशन के लिए इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, इसलिए ऐसी कोई भी एप्लीकेशन इसके ISO फाइल में अभी साथ नहीं दी गई है, नहीं तो इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाता। दूसरा जो अपडेट है वो है काली ट्विक्स। अभी आपको काली के इस नए वर्जन में काली ट्विक्स की CLI एप्लीकेशन मिलेगी, जिसकी मदद से आप अपने कालीनस को इजीली कॉन्फिगर कर सकते हैं। जैसे कि आपने काली को इंस्टॉल करते समय इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पैकेज इंस्टॉल नहीं किए हैं, तो आप इन टूल्स और पैकेजेस को यहाँ से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि ब्लूटूथ अटैक टूल्स, हार्डवेयर अटैक टूल्स, कालीनस एवरीथिंग्स, कालीनस लार्ज, आप इनको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से नेटवर्क, शेल प्रॉम्प्ट, वर्चुअलाइजेशन को भी कॉन्फिगर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर शेल प्रॉम्प्ट का कॉन्फिगरेशन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे वो आप ऑप्शन यहाँ से चूज करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो अपडेट है वो है रिफ्रेश्ड ब्लीडिंग एज ब्रांच। इस फीचर की मदद से कार्लिनस के कई डिफॉल्ट ऑप्शनल पैकेज जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं, वो ऑटोमेटिक ही उस टूल की अपस्ट्रीम रिपोजिटरी से अपडेट हो जाएंगे। अभी ऐप डेवलपर्स अपने सोर्स कोड में वर्जन टैग फीचर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि टूल्स को अप टू डेट रखा जा सकता है। ऐसा फीचर्स आपने डॉकर्स के अंदर भी देखा होगा। ये फीचर कार्लिनस में काफ़ी पहले से ही था, पर अभी इसको पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर्ड किया गया है। इसका जो अगला अपडेट है वो सिक्योरिटी के लिहाज से काफ़ी सही है। अभी कार्लिनस से 0 से लेकर 1023 तक के TCP पर UDP पोर्ट की रिक्वायरिंग प्रिविलेज परमिशन को डिसेबल कर दिया गया है। अब इन पोर्ट्स पर लिसनर ओपन नहीं होगा। कार्लिनस के टीम का यहाँ पर कहना है कि कार्लिनस OS एक डेस्कटॉप OS है, ना कि सर्वर OS, जिससे कि इन पोर्ट्स के पॉसिबल अटैक्स को काफ़ी कम किया जा सकता है। इसके अलावा कार्लिनस के इस वर्जन से कुछ एक्स्ट्रा और काफ़ी यूजफुल टूल भी यहाँ पर ऐड किए गए हैं, जिनको डायरेक्ट ही काली की रेपो से इंस्टॉल किया जा सकता है। ये टूल हैं क्लाउड ब्रूट, DIR सर्च, फेरोक्स बस्टर, PACU, क्वार्क इंजन, ये एक एंड्रॉयड मालवेयर स्कोरिंग इंजन है। इसके अलावा गिद्रा, ये NSA का लीग्ड रिवर्स इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क है, आपने इसके ऊपर मेरा वीडियो भी देखा होगा। तो अभी आप इस टूल को डायरेक्ट ही कार्लिनस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको काली के रेपो पर VS कोड भी मिल जाएगा। तो अभी इसमें काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी यूजफुल टूल ऐड किए गए हैं, जिनको आप डायरेक्ट ही और ईजीली काली की रेपो से इंस्टॉल कर पाएंगे, फिर उसके बाद अपन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें और भी कई छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि यदि आप काली पर GShell का यूज़ करते हैं तो आपको प्रॉम्प्ट पर 2 लाइनें मिलती हैं, तो आप Ctrl+P प्रेस करके इनको सिंगल या डबल पर स्विच कर सकते हैं। ये देखिए, यदि आप इसको परमानेंटली फिक्स करना चाहते हैं तो आप काली ट्विक्स पर जाकर इसको फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने किया था। यहाँ से अभी डायरेक्ट ही रूट टर्मिनल को स्टार्ट किया जा सकता है। रूट टर्मिनल डायरेक्ट ही रूट यूजर पर स्विच हो जाएगा, जैसे कि हम काली के पहले वर्जन्स में देखते थे, जिससे कि आपको यहाँ पर बार बार sudo का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। इसके लुक एंड फील में भी काफ़ी सुधार किए गए हैं और इसमें कई नए awesome वॉलपेपर भी ऐड किए गए हैं, जो कि काली को एक नया ही लुक देते हैं। लॉगिन स्क्रीन के अंदर भी यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। बाकी रेसबरी पाई, काली नेट हंटर, काली डॉकर इमेज को लेकर भी इसमें चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि अभी काली नेट हंटर के लिए एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट कई हैंडसेट के लिए दिया गया है, आप इनकी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि OnePlus Nord भी शामिल है। अभी आपको काली नेट हंटर की रेपो में 72 डिवाइसेस के लिए 179 कर्नेल्स और 32 प्रीबिल्ट इमेज मिल जाएंगी, जिनको आप डायरेक्ट ही यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। यदि आप इनके बारे में फुल डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इसका ब्लॉग रीड कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। यदि आप यहाँ पर कार्लिनस के नए अपडेट की ISO फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो स्टेप भी आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, क्योंकि कार्लिनस की वेबसाइट
पहले से काफ़ी चेंज हो चुकी है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो काली के ISO फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप आइए गेट काली पर, तो आपको यहाँ पर काली को डाउनलोड करने के अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर अपना प्लेटफॉर्म चूज़ कर लीजिए कि आप यहाँ पर कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहते हैं, वर्चुअल मशीन या USB हार्ड ड्राइव पर, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा ARM डिवाइस, मोबाइल, क्लाउड, कंटेनर्स, लाइव बूट, WSL आदि के लिए भी इंस्टॉल प्रोसेस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर जैसा भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उस पर क्लिक करके आप यहाँ से इसके ISO फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है, जैसे कि 64-bit, 32-bit या Apple M1 वाला। इसके लिए आपको ये तीन अलग अलग इमेज मिल जाती हैं, एक लाइव इमेज है, दूसरी इंस्टॉलर इमेज है और तीसरी नेट इंस्टॉल है जो कि नेट के द्वारा इंस्टॉल होगी। तो आप इस ISO फाइल को अपने सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डायरेक्ट और तुरंत का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप जैसा भी डाउनलोड करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। बाकी VMware और वर्चुअल बॉक्स के लिए भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, आप इनको 64-bit और 32-bit के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, कालीनस के ये नए चेंजेस आपको कैसे लगे, इनमें से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा अपडेट पसंद आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आपको हमारे नए प्लेटफॉर्म सर्वरट्यूब के बारे में नहीं मालूम तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ से आप और भी एडवांस वीडियोज़ को देख पाएंगे। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा ताकि यहाँ पर मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, जल्दी ही मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के अंदर। वीडियो को अंदर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।